नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है, रोहतास पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है तथा एक रिटायर अधिकारी के खाते से 40 लाख उड़ा लिए जाने के मामले में 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है। सासाराम के नगर थाना की पुलिस को यह कामयाबी मिली है। बता दें कि नालको के रिटायर अधिकारी प्रकाश चंद्र अखौरी के खाते से 12 सितंबर 2020 को एक्सिस बैंक के सासाराम शाखा के खाते से फिक्स डिपॉजिट के 40 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे, जिसकी लगातार जांच के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। इस संबंध में सासाराम सदर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने क्या बताया, आइए जानते हैं। रिपोर्ट राजेश कुमार सिंह, रोहतास। संख्या 586-20 था। प्रकाश चंद्र अखौरी जी के अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट था उनका, 40 लाख रुपए गायब कर दिए गए थे। और जब पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ उसके एक महीने बाद उन्हें जानकारी दी, तो 12 सितंबर को ये कांड अंकित हुआ। और नगर थाना की टीम ने तब से लेकर अब तक, ये पूरा का पूरा श्रेय नगर थाना की टीम को जाता है। नगर थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं, आईओ ब्रजेश जी हैं और भी पूरी टीम ने मेहनत करके चुनाव के बीच में भी इसके लिए समय निकाला। और जिन लोगों के भी नाम आए उन लोगों पर पिछले एक महीने से निगाह बनाए हुए थे। हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग भोला शंकर कुमार हैं, यदुनाथ पांडे, संजय कुमार और अमित कुमार गुप्ता। ये 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जारी है। इन अभियुक्तों ने 40 लाख रुपये जो थे वो किस्तों में इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र किए और बनारस में ज्वेलरी शॉप में ट्रांसफ़र की, और वहाँ से सोने के बिस्किट इन्होंने और कुछ सोने के सिक्के शायद 50 ग्राम और 20 ग्राम के में कन्वर्ट करके इन्होंने खरीदे थे। इसमें से 2 सिक्कों की जिनकी कीमत 5,50,000 से ज़्यादा है, और जिस समय ये खरीदे गए थे उस समय इनकी कीमत और भी ज़्यादा थी, तो ये 2 सिक्के भी इनके पास से रिकवर हुए। और जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ने के लिए अभी हमारी कोशिश जारी है। जो 2 दुकानदार थे जिनके यहाँ से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करके और ये सोने का बिस्किट और सिक्के खरीदे हैं, उन दुकानदारों के पास से जब जांच की गई तो उन्होंने बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के इन लोगों को इतनी कीमत का गोल्ड दे दिया है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने पहले रेगी की होगी, और जो दुकानदार इस तरह के कामों में संलिप्त रहते होंगे उनके यहाँ ही अप्रोच करके इन्होंने सामान खरीदा होगा, तो उसकी भी जाँच की जा रही है। लेकिन नगर थाना की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि एक तो जो क्राइम का नेचर है वो साइबर क्राइम है, अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं, ऑनलाइन जो है बैंकिंग यूज़ की गई है, और ऐसे केस को ब्रेक करना मतलब इतने व्यस्त समय में बड़ी उपलब्धि है। उसका पूरा श्रेय जो है नगर थाना की टीम को जाता है। गिरफ्तार अपराधियों का कोई इतिहास है नहीं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास नहीं है। इनमें से 1 या 2 लोग जो विक्टिम हैं, जिनका पैसा गायब किया गया प्रकाश चंद्र अखौरी, उनके बहुत क्लोज हैं, उनके परिचित हैं, और इस प्रॉक्सिमिटी का, अपनी इस नज़दीकी का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक हमारी जांच है उनके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक, यानी पिन वगैरह, मोबाइल वगैरह तक इनकी एक्सेस थी,